Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Sheshwar Chauhan. मैं शेषवार चौहान हूँ. आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस में. और आज मैं ग्रामर का ये टॉपिक एडवर्ब और एडवर्बियल क्लोजेस लेके आया हूँ. सबसे पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब क्लोज क्या फंक्शन करती है. दिस टाइप ऑफ क्लोज डज द सेम फंक्शन एज एन एडवर्ब डज इन अ सेंटेंस. एडवर्ब क्लोज वही काम करती है जो एडवर्ब किसी सेंटेंस में करता है. वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और स्वयं को भी क्वालिफाई कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसके मीनिंग में बढ़ोतरी कर सकता है, वृद्धि कर सकता है या कमी कर सकता है. तो ये एडवर्ब होता है. जैसे यहाँ पे यू मे गो वेयर एवर यू लाइक. गो वेयर ये जो पार्ट है सेंटेंस का, क्लोज है, ये एडवर्बियल क्लोज है. तो इसका संबंध सीधा रिलेशन गो के साथ है. गो तुम जा सकते हो कहाँ, जहाँ तुम चाहो, जहाँ कहीं भी तुम चाहो. काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लोजेस, एडवर्बियल क्लोजेस की काइंड्स बताते हैं आपको. सबसे पहले होती है एडवर्ब क्लोज टाइम, जो समय के बारे में, समय बताती है, रिलेटेड टू टाइम. तो आपको कंजंक्शन अगर ये याद हो जाए, when, whenever, as soon as long as, till, until, since, while, तो ये टाइम क्लोज के कंजंक्शन है. देखते ही पता लग जाता है कि ये कंजंक्शन आ रहे हैं तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होगी. पर आपको ये देखना है कि इन कंजंक्शंस के बाद सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, तब ये फुल एडवर्ब क्लोज होती है. अदरवाइज नॉन फाइनाइट एडवर्ब क्लोज भी बन जाती है. तो व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग टुडे, आई फाउंड दैट ए हाउस वाज ऑन फायर. दिस इज अ सेंटेंस. तो इस सेंटेंस, दो सेंटेंस, यू मे कम टू मीट मी व्हेनेवर यू फाइंड टाइम. अगर हम इसका एनालिसिस करें, पहले आप ये सेंटेंस सारे पढ़ देते हैं. थर्ड सेंटेंस है, एज सून एज द थीप सॉ द पुलिस ही रैन अवे एट वंस. राइट, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट वरी. Wait here till I come back, or don't move from here until I come back. तो ये meaning मैं side by side clear कर देता हूँ. When I woke up in the morning, I found that a house was on fire. तो इसमें दो clauses हैं, एक ये clause है, एक that वाली clause होगी. इसका ये subject है, इसका ये finite verb है. इसका ये subject है, इसका ये finite verb है. तो क्लोज होती है. क्लोज की डेफिनेशन ही यही होती है कि इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. राइट, एंड बट इट इज ए लॉन्ग, इट्स ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस, लंबे सेंटेंस का हिस्सा होती है, तब क्लोज बनती है वो. जैसे पहले हमने डिस्कस की ये बात, तो अधूरा मतलब होता है इसका हमेशा. सबॉर्डिनेट क्लोज है. तो आई फाउंड दैट, ये नाउन क्लोज इसमें आ गई. फाउंड व्हाट, दैट, फाउंड समथिंग. यहाँ पे अगर आप मेन क्लोज लो, आप आई फाउंड, फाउंड व्हाट, तो ये नाउन क्लोज होगी. और व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई फाउंड व्हाट दैट हाउस. आपने ये जो सेंटेंस है कि एक घर को आग लगा पाया, आग लगी पाया, एक घर में आग लगी हुई थी, कब पाया, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, तो ये कब का जवाब मिलता है. चार वर्ड अगर आप याद रख लो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे. कब वाली क्लोज हमेशा टाइम क्लोज होती है. कहाँ वाली क्लोज जो कहाँ का जवाब देती है, वो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस होती है, कहाँ प्लेस से रिलेटेड होता है. कैसे मैनर को शो करती है, और कब, कहाँ, क्यों, क्यों रीजन को शो करती है. तो चार तरह की क्लोजेस तो इस तरह से हो जाती है. यू मे कम टू मीट मी, आप मुझे मिलने आ सकते हो. कब, अगर कब क्वेश्चन कर रहे हो तो व्हेन एवर यू फाइंड टाइम, जब तुम्हें समय मिले. लिसनर अगर ये कहे कब, तो स्पीकर आपको और क्लियर करेगा जब आपको समय मिले. एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे एट वंस. चोर भाग गया, तुरंत ही भाग गया. कब भागा, जो ही, एज सून एज, एकदम टाइम गैप नहीं दिखाता. एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, जो ही. और ये जब भी ये सेंटेंस होता है, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो एज सून एज से, तो जो दो घटनाएं पास्ट टेंस में घटी, चोर ने पुलिस को देखा और भाग लिया. राइट, तो दोनों देखने में और भागने में कोई गैप नहीं है, एकदम सेकंड्स का गैप होगा और वो तुरंत ही भागा. तब एज सून एज यूज करते हैं.
द मोमेंट भी यूज कर लेते हैं, द मोमेंट नो सूनर देन का भी यूज होता है, वो भी टाइम क्लोज से ही है। तो एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे एट वंस, वह भाग गया। कब भागा? जब उसने पुलिस को देखा। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट वरी, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक मैं यहां हूं, एज लॉन्ग एज आई एम हियर। ये ब्राउन में सारी एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम है। वेट हियर, कब तक? टिल आई कम बैक, कई बार कह देते हैं जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं रहना। डोंट मूव फ्रॉम दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक, या टिल भी यूज कर लेते हैं, यहीं रहना, यहीं रुकना जब तक मैं आ जाऊं। तो इस तरह से टिल आई कम बैक, जब कब तक? टिल आई कम बैक, एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम। डोंट मूव फ्रॉम हियर अंटिल आई कम बैक, ये स्ट्रेस आ जाता है अंटिल में, थोड़ा फालतू हो जाता है, तो ये भी एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। आई हैव नॉट मेट माई कजिन, मैं अपने कजिन से नहीं मिला हूँ। कब? कब से नहीं मिले हो? सिंस, जब से। सिंस का मतलब जब से ही लेफ्ट इंडिया, सिंस ही लेफ्ट इंडिया। कि मैं अपने कजिन से नहीं मिला जब से उसने भारत छोड़ा है, भारत छोड़ के बाहर बस गया है। तो कब से अगर क्वेश्चन करो तो सिंस ही लेफ्ट इंडिया, तो ये जवाब देगी एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। मेक हे व्हाइल द सन शाइंस, कहावत है, बहती गंगा में हाथ धो लो। मेक हे व्हाइल द सनशाइन, और व्हाइल ये भी टाइम क्लोज है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। मेक हे क्या होता है, अगर बेसिक लें इसका, सूखा घास होता है, सूखा घास बना लो, मतलब घास को, गीला घास जो हो जाता है बरसात के दिनों में, सुखा लो, धूप निकली हुई है, मीन्स समय का लाभ उठा लो। धूप खिली हुई है तो सभी फायदा उठाते हैं उसका। तो पुराने जमाने की कहावत होगी, घास और ईंधन की लकड़ियों को सुखाते थे बरसात के दिनों में रखने के लिए। तो मेक हे व्हाइल द सनशाइन्स, तो बहती गंगा में हाथ धो लो। ही ब्रोक हिज लेग, उसने अपने उसकी टांग टूट गई। व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड रनिंग बस, जब वो दौड़ती हुई बस को मैं एंटर होना चाह रहा था, बोर्ड करना बस में चढ़ना होता है एक किस्म से, तो उसकी टांग टूट गई। ब्रोक, उसने अपने आप टांग तोड़ ली, ऐसा तो नहीं होता, उसकी टांग टूट गई। कब? जब वो ट्राई कर रहा था बस में चढ़ने की। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें नो सूनर देन वाला भी होता है, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। तो इसमें नो सूनर थोड़ा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टेढ़ा है इसका यूज, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब एकदम मांगता है बाहर, और आगे देन टी एच एन लगता है कंजंक्शन। अब है एडवर्ब को क्लोज ऑफ प्लेस, जो कहां का जवाब देगी आपको। कंजंक्शन वेयर वेर एवर वेंस मैंने जहां से, ओल्ड यूज है। यू विल फाइंड मी वेयर एवर यू गो, जहां कहीं भी तुम जाओगे मुझे पाओगे। यू विल फाइंड मी, तुम मुझे पाओगे कहां, वेयर एवर यू गो, जहां कहीं भी आप जाओगे। गो जाओ, कहां, जहां तुम चाहो, वेयर एवर यू लाइक। गो कहां, जहां से तुम आए, व्हेंस यू केम, व्हेंस यू केम फ्रॉम, फ्रॉम की जरूरत नहीं है, फ्रॉम वेयर, व्हेंस में है वेयर, फ्रॉम और वेयर। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, रीजन कारण बताता है। कंजंक्शन सिंस एज बिकॉज, सिंस का मतलब से भी होता है जब ये प्रपोजिशन के रूप में आता है, मंडे से सोमवार, सिंस मंडे, सिंस 1980। तो एज कंजंक्शन के रूप में या सिंस और एज बिकॉज आ रहे हैं। सिंस यू आर माई फ्रेंड आई मे टेल यू एवरीथिंग, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, बता सकता हूँ। He was severely punished, उसे सख्ताई से, कठोरता के साथ सजा मिली, पनिशमेंट मिली, because he abused the teacher, क्योंकि उसने टीचर को अब्यूज किया था। तो रीजन बताती है क्लोज, ये जो ब्राउन में दिख रही है आपको, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, कॉज, कॉज भी बोलते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉज, C A U S E। फोर्थ है
एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, मैनर शो करेगी। पहले तो हमने यही लिए कब कहाँ क्यों कैसे, ये कैसे का मतलब देगी, एज इफ जैसे कि, एज दो जैसे कि, एज मैंने भी जैसे कि होता है, ही वॉक्स वह चलता है, कैसे चलता है, जैसे कि वो राजकुमार हो, जैसे कि वो प्रिंस हो, जैसे कि मॉडल हो, ऐसे। शी स्पीक्स वो बोलती है कैसे, एज दो शी वर ए मॉडल, वो एक मॉडल हो। वर आता है इसमें, ये जो एज इफ कंजंक्शन है ये वर लेता है ना कि वाज। डू एज आई टेल यू, करो कैसे जैसे मैं कहूँ, एज आई टेल यू। तो ये समझ आ गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, कंडीशन में शर्त होती है और उसका इफेक्ट होता है। इफ क्लोज होती है इसमें, तीन तरह की कंडीशंस में आती है, अनलेस हो गया, इवन इफ हो गया, इवन दो, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, वगैरह वगैरह होते हैं कंजंक्शन। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप मेहनत करो ये शर्त है, तो रिजल्ट क्या होगा, आप पास हो जाओगे। पास होने के लिए कंडीशन क्या है, मेहनत करना। तो यदि वाली कंडीशन है, अनलेस यू, जब तक कि आप मेहनत ना करो, रिप्लेस हो सकता है अनलेस, जब आप अनलेस को रिप्लेस करो तो नेगेटिव आएगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड मीन्स अनलेस यू वर्क हार्ड। तो अनलेस में नेगेटिव नहीं होता, अनलेस अन में ही नेगेटिव है। इवन इफ, इवन दो, यद्यपि, भले ही उसने, इवन दो यू आर माई फ्रेंड, भले ही आप मेरे मित्र हो, आई स्टिल बिलीव यू, फिर भी मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। आप मेरे दुश्मन हो, फिर भी मैं, ये कंट्रास्टिंग आ जाता है, इवन दो, ये इसमें इवन इफ, इवन दो ये नहीं आएगी इसमें, आप इसको ध्यान रखना, ये क्लोज इसमें नहीं आएगी, ये कंट्रास्ट वाली ऑल दो वाली में आएगी। क्लियर, ये गलती से आगे आगे बढ़ते हैं। इन केस यू नीड माई हेल्प यू जस्ट गिव मी कॉल। इन केस कंडीशन शो कर रही है, यदि आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर सकते हो। इन केस इफ यू नीड माई हेल्प, इफ के जगह, वी विल डेफिनेटली गो ऑन ए ट्रिप प्रोवाइडेड दैट, इफ का स्थान ले रही है, इफ इट डज नॉट रेन, यदि बारिश नहीं हुई तो हम निश्चित तौर पर ट्रिप पे जाएंगे। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, इसमें उद्देश्य जो लगता है, पर्पस उद्देश्य होता है। कंजंक्शन इसके सो दैट है, जब सो दैट इकट्ठा आता है, एक जगह आता है, इन ऑर्डर दैट लेस्ट, रन फास्ट, तेज चलो, ताकि, सो दैट का मतलब ताकि, पर्पस क्या है, ताकि यू मे कैच द ट्रेन, आप ट्रेन को कैच कर सको। ही हैज वर्क हार्ड, उसने मेहनत की है, पर्पस उद्देश्य क्या, इन ऑर्डर दैट, टू लगा दो तो ये फ्रेज बन जाएगी, ये सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा, इन ऑर्डर टू गेट वेरी गुड मार्क्स, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, क्लोज लगानी है आपको, दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, ही कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। रन फास्ट, तेज चलो, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, और लेस्ट ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड लेता है, हमेशा ध्यान रखना, लेस्ट के साथ शुड मॉडल ऑक्सिलरी आता है, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो कि गाड़ी आपसे छूट जाओ, तेज चलो। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट कंसेशन, जिसमें इवन दो वगैरह था, वो ये कंजंक्शन इसमें इवन दो ये आ गया, ऑल्दो दो, ऑल्दो दो, येट आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ऑल्दो ही इज माय रिलेटिव, यद्यपि वो मेरा रिलेटिव है, येट ही नेवर कम्स टू मीट मी, फिर भी वो मुझे मिलने नहीं आता, थोड़ा सा कंट्रास्ट है बात में, और रिलेटिव है, आना चाहिए उसे, बट वो नहीं आता, बट स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए बट, और दूसरी बात ये है कि वो कंपाउंड सेंटेंस में आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ सबऑर्डिनेटिंग है। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना हो सेंटेंस, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में लाना हो और कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हो, तो आप ऑल दो यूज कीजिए, इवन दो यूज कीजिए। ऑल दो या दो, ही वर्क्स वेरी हार्ड, येट ही इज अनेबल टू स्कोर गुड मार्क्स, He is unable, means he is not able to. यद्यपि वह मेहनत करता है, फिर भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में नहीं होते उसे, अनेबल है, असमर्थ है, राइट right, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपेरिजन, इसमें तुलना होती है। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपेरिजन, अब हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपेरिजन लेते हैं, इसके कंजंक्शन एज एज हैं, सो एज हैं, देन हैं,
शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर मदर, दोनों में इक्वालिटी है, माँ भी उतनी इंटेलिजेंट है बेटी भी उतनी इंटेलिजेंट है। अगर हम ऐसे ही बात कहना हो तो कि जितनी उतनी इंटेलिजेंट है जितनी कि उसकी माँ, शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर मदर, ये लास्ट वाला पार्ट क्लोज होगा, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। अगर हम नेगेटिव कहना चाहें तो कहेंगे शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर मदर, तो नेगेटिव में सो कि इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि उसकी माँ, तो सो यूज करते हैं ना कि एज। He is not more intelligent than his brother. वह अपने भाई से अधिक, जब दो व्यक्तियों में comparison हो रहा है, वह than का use होता है उसमें, कि इतना intelligent नहीं है, उससे ज़्यादा intelligent नहीं है। He is not more intelligent than his brother. So than his brother is adverb clause of comparison. Extent फैलाव दिखाता है, extent, conjunction as far as और ज़्यादा is use होते हैं। एक ही सिचुएशन है जब सुपर कंपैरेटिव फॉर्म में कंपैरेटिव क्लोज, ये जो कंपैरिजन में दादा का यूज होता है, कंपैरेटिव एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन तो हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर एक्सटेंट है। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्कैम, वो इस स्कैम में, इस धांधली में इन्वॉल्व नहीं है, शामिल नहीं। द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितना ऊंचा जाओगे उतनी ठंड पाओगे, इस तरह की सेंटेंस द दोनों तरफ लगता है। कंपेरेटिव डिग्री में द नहीं आता आमतौर पर, सुपरलेटिव डिग्री में द आता है, बट एक यही स्थिति है, हायर कंपेरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की, द यहाँ पे आए, द या दी, दी अगर बेसिकली तो ये होता है, अगर कोई वर्ड जिसकी साउंड पहले लेटर की साउंड कंसोनेंट साउंड है तो दा बोलो, अगर वो वाउल साउंड है तो दी बोलो, ये होता है आमतौर पर। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, इसमें परिणाम होता है, सो और दैट में अंतर मिलेगा आपको। ही वर्क सो हार्ड, उसने मेहनत इतनी मेहनत करी, परिणाम क्या हुआ, दैट ही टॉप्ड द होल क्लास, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट आ गई। शी सो हम्बल, वो इतनी विनम्र है कि, परिणाम इतनी की, दैट शी ऑलवेज यूजेस प्लीज इन हर वर्ड्स, इन हर सेंटेंसेस, अपने सेंटेंसेस में प्लीज जरूर यूज करती है, अपने शब्दों में प्लीज जरूर यूज करती है, वो इतनी हम्बल है। तो दिस वीडियो लेक्चर ऑन एडवर्बियल क्लोजेस एंड्स हियर, नेक्स्ट टाइम कुछ और लेके आऊँगा, टिल देन हैव अ नाइस डे, और प्रयत्न करूँगा कि नॉन फाइनाइट क्लोजेस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आती हैं आमतौर पे, वो उनको भी मैं टेकअप करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अलविदा, थैंक यू।